हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने न्यू क्लासिकल अप्रोच को और बिहेवियरल थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जी जो मॉडर्न अप्रोच है, जो आज की अप्रोच है, जो मैनेजमेंट आज अपने हिसाब से जो काम करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये मॉडर्न अप्रोच दो ही तरीके का बेसिकली अप्रोच है ना, जो आज दो तरीके से लोग फॉलो करते हैं। बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा, ठीक है, तो मजे से पढ़ते हैं। आइए चलते हैं कहां क्लास में। देखिएगा जी, सबसे पहले क्या ये बेसिक काम, आपको अगर आप नए हैं तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, प्लस और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लीजिए, प्लस लेक्चर फॉर बिजनेस मैनेजमेंट का। देखिए जी, एक चीज तो मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा क्लास लेक्चर शुरू करने से पहले, कि अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं, आपको पता है कि मेरा पर्पस विजन क्या है कि भैया आपका जेआरएफ क्लियर कराना, और इसके लिए मैं रोज हर दिन आपके साथ रात के 8 बजे वीडियो डालता हूं, है ना। तो बस आपका काम क्या करना है, देखिए आपका काम बस शेयर कर देना, जिसकी जरूरत है, जिनको नई जरूरत है, दोनों को करना है ना। लगता है कि भाई ये आपके फ्रेंड से जिनके पास कुछ इशू है तो उनको भी कीजिए, और जिनको इसकी जरूरत है उनको भी कीजिए, क्योंकि मेरे लिए क्या है यार, मेरे लिए बस यही है कि आप तक पहुंचना, है ना। तो ज्यादा लेट ना करते हुए बस इतना ही कहूंगा, और अगर वीडियो ये पसंद आता है ना यार, तो एक कमेंट और एक लाइक कर दिया करो, जिससे क्या होगा ना कि मतलब एफर्ट्स पता चलेगा कि क्या भाई हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, सही अच्छा से और मेरी लेक्चर्स अच्छे से हो पा रही हैं, आपको समझ आ रहा है कि ये सारी चीजें मुझे पता चल पाएंगी, ठीक है ना। इतना एफर्ट्स देने के बाद आपका एक छोटा सा लाइक तो बनता है ना यार, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ गलत भी है तो आप उस पर कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज ना ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, हम उस पर सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे सुधारने की, लेकिन आप कमेंट्स तो करिए, एटलीस्ट आप बताएं तो मुझे कि हाँ सर ये चीज जो है वो गलत है, ये चीज है जो सही है, आपसे कनेक्ट करना ही मेरा पर्पस है। तो आइए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। देखिए जी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ना दो थ्योरी है, एक तो सिस्टम थ्योरी है और एक को कंटिंजेंसी थ्योरी कहते हैं। तो जो सिस्टम थ्योरी है ना, वो थ्योरी बोलती है कि भाई साहब कोई भी चीज जो है पुराने वाले की तरह, सर ऐसा नहीं ह्यूमन को देख लिया तो हो जाएगा, इंजीनियर अप्रोच को देख लिया हो जाएगा, यहाँ की ये कहती है कि हर चीज ना मैनेजमेंट में एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसी इंटररिलेटेड भी है और इंटरकनेक्शन भी है दोनों में। तो ये चर्चमैन वेस्ट की कहानी है, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, सबका एफर्ट्स मैटर करता है और तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन चलती है। उसी तरीके से कंटिजेंसी अप्रोच जो है वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है, हर सिचुएशन में अलग अलग अप्रोच हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल, जो चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है मेरे लिए बुरी हो सकती है, जो चीज मेरे लिए बुरी हो सकती है वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, है ना। किसी के साथ आपकी दोस्ती अच्छी बनती है, मेरे साथ नहीं बनती, मेरे साथ जिसकी बनती है आपके साथ नहीं बनती, बात समझ रहे हो। तो यहां इन्होंने कहा सिचुएशनल अप्रोच, इसका मतलब कि हर किसी चीज का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कई सॉल्यूशन निकल सकते हैं एक सिचुएशन के, दैट इज नॉन एज कंटिजेंसी थ्योरी। तो आइए उसी की डिटेल में चर्चा क्लास में करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला का, दीज थ्योरीज आर रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंट चेंजेस। तो ये किसके लिए है, एनवायरमेंट चेंजेस के लिए, कि भाई एनवायरमेंट में देखो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और उस बेसिस पर आप क्या अप्रोच अपनाते हो। कह रहा दे व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनेमिक ओपन सिस्टम हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्होंने क्या बोला, बोला ये ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं डायनेमिक ओपन सिस्टम की तरह, मतलब चेंजेस, जैसा चेंजेस वैसा काम, है ना। बोलते हैं ना, अरे भाई अगर हम अभी भी वो टुक टुक वाले फोन पर जिंदा रहे तब तो फिर हमारा काम ही नहीं होगा, आधा काम तुम्हारा फोन किसी और चीज से होता है। तो सोचो कि अगर वो फोन, या फिर अभी भी वो फोन रखे हम जो दौड़ के आते थे ना, वो क्या बोलते उसको, कनेक्शन वाला, है ना, तार वाला, तो फिर कितना दिक्कत हो। तो सोचो हमें क्या करना पड़ता है, अपने ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट थ्योरी भी ये कहती है कि भाई आप एनवायरमेंट को अडॉप्ट करो और चेंजेस के हिसाब से काम करो। नहीं, इसलिए कह रहा है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, और नॉलेज बोल रहा है कि ड्रॉ करो नॉलेज वेरियस फील्ड से, अलग अलग जगह से, और कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, मतलब जितना अलग अलग बिजनेस है का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हर अलग अलग सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश करना है। कह रहा है दे फोरकास्ट एनवायरमेंट
changes through the scientific techniques and discount them to present business situations. तो बोल रहा है ये forecast कैसे करते हैं कि अलग अलग scientific techniques के through business के problem को वो क्या करते हैं, business के situation को solve करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू आप समझिएगा ध्यान से। इन सिस्टम थ्योरी ऑफ चर्चमैन वेस्ट, किसने दिया, चर्चमैन वेस्ट ने। ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे देखो जिसे इनपुट दिया हमने रॉ मटेरियल लेबर्स और यहाँ पे फाइनेंस इंफॉर्मेशन दिया, अब यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद ऑपरेशन जाएगा, मेथड, एम्प्लॉई एक्टिविटीज, मैनेजमेंट एक्टिविटीज, सारी चीज देखी जाएगी और फिर वहां से होगा आउटपुट यानी कि गुड्स और सर्विस इंफॉर्मेशन वहां से आएगा और यही फिर फीडबैक देगा किसको, यहाँ पे है ना। तो ये क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड। जैसे मैं अपनी एग्जांपल हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट्स के थ्रू लाइक करके थ्रू आप बता सकते हो कि सर आपका लेक्चर अच्छा हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो फिर कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, डिसलाइक करके बता सकते हो कि भाई आपका लेक्चर खराब हो रहा है, जिससे मैं समझूंगा मुझे क्या सुधार करना है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, हाँ उसी तरीके से ये कहा सिस्टम थ्योरी कि एवरीथिंग इज connected with and interrelated with management, है ना। तो ये क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है, as per this approach organization is viewed from a system point of view, किस इस अप्रोच के अनुसार किस बेस पर देखा जाता है, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। द मेन एलिमेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच आर एज फॉलोज, तो क्या क्या मेन एलिमेंट है ये देखिए, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एज ए पर्पसफुल सिस्टम consisting of several interconnected and interdependent parts. तो बोल रहा है organization को हम एक purposeful system की तरह देखें, तो वो क्या consist कर रहा है कि वो interdependent है और interrelated है ना। चलिए कह रहा था parts of components of a system are called subsystems, और जो इस ये parts है, ये components है, इसके part, इसके system के parts को subsystem कहा गया है, है ना। द पोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ इच सब सिस्टम कैन बी एनालाइज एंड अंडरस्टूड ओनली इन द रिलेशन टू द अदर सब सिस्टम एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। तो और बोल रहा है कि इसके पोजिशन को और इसके काम को, इसके फंक्शन को कैसे समझा जाएगा, हर सब सिस्टम का दूसरे सब सिस्टम के साथ कैसा रिलेशन है उसको देखकर इस बात को समझा जा सकता है, सिनर्जी इफेक्ट की तरह समझा जा सकता है। कह रहा है एवरी सिस्टम एज ए बाउंड्री दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, तो हर सिस्टम का एक बाउंड्री होता है जो उसको अलग करता है उसके एनवायरनमेंट से। सो ये देखिए आइए क्या कह रहा है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, चार्ट बना हुआ है, सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। कह रहा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स एक्टिंग टुगेदर टू द अचीव सम गोल व्हिच एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, इंटररिलेटेड पार्ट्स हैं, टुगेदर साथ में चलने वाले हैं जो क्या करते हैं, आप गोल को अचीव कर लेते हैं एनवायरनमेंट के बेस पर, है ना। मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो सिस्टम अप्रोच ये कहता है कि हर कुछ इंटररिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो कह रहा है आल्सो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्किंग टुगेदर विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड देयर एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ईच अदर टू द एनवायरनमेंट, एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। कह रहा है देयरफॉर सिस्टम इज सिंपल टर्म्स रिस्पेक्ट मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन इंटररिलेटेड मैनर टू अकॉम्प्लिश अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ में आई जी सर। उसके बाद दूसरा जो अप्रोच है वो कंटिजेंसी थ्योरी है, इसको लॉरेंस और पॉलहर्स ने दिया है। कंटिजेंसी अप्रोच कहती है भाई सिचुएशन है, आपके सिचुएशन के अनुसार आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। देखिए कह रहा है आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सिचुएशनल अप्रोच, देयर इज नो वन यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रूल्स बाय टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस। बोल रहा है कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका एक एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, उस बेस पर आपका काम हो जाएगा। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो द ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिविजुअली डिफरेंट, क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली डिफरेंट है, फेस उसका डिफरेंट सिचुएशंस करते हैं, वो फेस करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस एंड रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके की होती हैं, वो अलग अलग सिचुएशन फेस करती हैं और अलग अलग उसको क्या कहते हैं डिफरेंट तरीका जरूरत पड़ता है सॉल्व करने का, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए अब क्या कह रहा देखते हैं, कह रहा फीचर्स ऑफ कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट, क्या क्या फीचर्स है ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है मैनेजमेंट इज एक्सटर्नली सिचुएशनल,
बात बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट क्या है, सिचुएशनल अप्रोच है। यही तो बात अभी शुरू से कह रहा है, कह रहा था कंडीशन ऑफ दिस सिचुएशन विल डिटरमाइन व्हिच टेक्निक्स एंड कंट्रोल सिस्टम शुड बी डिजाइन टू फिट द पर्टिकुलर सिचुएशन। ये बात बिल्कुल सही है कि उसका कंडीशन और सिचुएशन ये डिटरमाइन करेगी कि कौन सा टेक्निक या और कौन सा सिस्टम डिजाइन किया गया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। मैंने बोला ना कि जो सिचुएशन मेरे लिए सही है हो सकता है वो आपके लिए खराब हो, लेकिन जो सिचुएशन मेरे लिए गलत है वो हो सकता है आपके लिए सही हो, है ना। सो ये चीज कह रहा है मैनेजमेंट इज एंटायरली सिचुएशनल, मैनेजमेंट पूरी तरीके से सिचुएशनल है सिचुएशन के हिसाब से। कह रहा देयर इज नो बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम को करने का कोई भी बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, सिर्फ एक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। सो वन नीड्स टू अडैप्ट हिमसेल्फ टू दिस सर्कमस्टांसेस, तो बोल रहा है एक इंसान को अडैप्ट करना पड़ेगा उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि वो अप्रोच कौन सा अपनाएगा। कह रहा है इट इज अ काइंड ऑफ इफ देन अप्रोच, इफ देन का मतलब इफ देन मतलब अगर ये हुआ तो फिर ये करेंगे, अगर ये हुआ तो फिर ये करेंगे। कह रहा है इट इज प्रैक्टिकली सूटेड, और ये प्रैक्टिकली सूट भी करता है भाई, यही तो रियल चीज है ना कि भाई जैसा सिचुएशन वैसा हम काम करेंगे। अब सोचो इंजीनियर्स अप्रोच में बोला कि भाई वर्कर्स की कंडीशंस के हिसाब से काम करेंगे, वर्कर्स पूरा बीमार है, अब सोचो उस समय तो उसको जरूरत है जाने की लेकिन कह रहा है काम कर लो तो दिक्कत वाली बात है ना। तो उस समय सिचुएशन अप्रोच काम करना चाहिए कि भाई बीमार हो ठीक है तुम चले जाओ फिर बाद में आगे काम कर लेना, ये होना चाहिए। कह रहा है मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट की पॉलिसी और प्रोसीजर क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए एनवायरनमेंट में। मैनेजर शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग, इट डिस्पेल्स द यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो ये क्या बोला कि मैनेजर्स को समझना चाहिए कि कोई भी बेस्ट वे नहीं है, कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है मैनेज करने का, सो उसको यूनिवर्सली वैलिडिटी प्रिंसिपल नहीं मिल सकता। अब देखिए इस थ्योरी का कुछ कुछ लिमिटेशन है, आइए पढ़ते हैं उसको। कह रहा लिमिटेशन ऑफ कंटिंजेंट थ्योरी, क्या है लिमिटेशन, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड दैट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट। तो बोल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉलो अगर नहीं किया गया तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन मैनेजमेंट में काम नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल सही है ठीक है। कहीं कहीं ना कुछ अप्रोच काम कर जाती है, उसको देखना पड़ेगा। कह रहा है ईच ऑफ द फैक्टर रिलेवेंट टू सिचुएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग कांट बी डिटरमाइन, बोल रहा है हर सिचुएशन के लिए आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो कुछ सॉल्यूशन पहले से है हम उसको मान लेते हैं, है ना, वो चीज कह रहा है। तो ये क्या है, इसका एक लिमिटेशन है, देयर आर वेरियस कॉन्स्टेंट्स सच एज टाइम मनी एंड एबिलिटी ड्यू टू व्हिच मैनेजर्स कैन नॉट गैदर्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर है बोल रहा है जिसमें जिसकी वजह से क्या होगा मैनेज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, तो आपके पास पहले जो इंफॉर्मेशन है उस बेस पर काम कर लेना चाहिए। तो एक दूसरा लिमिटेशन कह रहा है कंटिंजेंसी थ्योरी हैज एडेड नथिंग न्यू टू मैनेजमेंट थॉट्स एज अ फेयर थ्योरी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो इन्होंने बोला कंटिंजेंसी थ्योरी कुछ नहीं ऐड किया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो का जो फेयर का थ्योरी था 14 प्रिंसिपल्स वाला उसी में से फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत हुई है। कह रहा नो थ्योरेटिकल फाउंडेशन दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज प्रोवाइडेड बाय द कंटिंजेंसी थ्योरी, कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं दिया गया है ठीक है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। तो ये सिर्फ कंटिजेंसी थ्योरी बोल दिया, सिचुएशनल अप्रोच है, बात बात खत्म। कह रहा मैनेजर्स लुक फॉर डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स इन एब्सेंस ऑफ डेफिनेट प्रॉब्लम व्हिच इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम। तो ये बात इन्होंने बोला कि मैनेजर्स को चाहिए कि अलग अलग अल्टरनेटिव्स चाहिए एब्सेंस ऑफ डेफिनेट प्रॉब्लम, कुछ एक डेफिनेट प्रॉब्लम है उसमें। तो ये बात होता है ना कि यार जैसे हमारा अप्रोच है पुराना अप्रोच है, जैसे अगर हमें खांसी होती है तो हम अदरक खा लेते हैं काढ़ा बना के पी लेते हैं, तो अब नया उस समय सिचुएशनल अप्रोच खोजने जाएंगे तो टाइम लग जाता है। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि अगर पास्ट में कुछ बताया गया तो उस अप्रोच को भी अपनाना चाहिए। तो ये क्या है, इसका एक आपका लिमिटेशन है। एक थ्योरी और है जो कहता है थ्योरी जेड, ठीक है ना, एक्स और वाई थ्योरी का एक्सटेंशन माना गया है, इसको विलियम ऑची ने इसे दिया है। क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरली ऑन शो ऑफ शॉर्ट मैकग्रेगर एक्स वाई ऑची थ्योरी ब्लेंड्स मॉडर्न वेस्टर्न मैनेजमेंट। ये ऑची थ्योरी जो है विलियम ऑची नाम इनका, और इन्होंने क्या बोला कि ब्लेंड्स करता है मॉडर्न वेस्टर्न मैनेजमेंट पे अप्रोच विद जैपनीज मैनेजमेंट टेक्निक, जो जैपनीज की मैनेजमेंट टेक्निक से बहुत सारी है ना काइजन वगैरह उससे रिलेटेड लिया गया। कह रहा आयरनिकली मैनी सो कॉल्ड जैपनीज मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज काइजन आर बेस्ड ऑन अमेरिकन एडवर्ड डेमिंग पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी दैट फोकस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग अ जॉब फॉर लाइफ विद अ स्ट्रांग फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय बोथ ऑन और ऑफ द जॉब। तो ये बात बिल्कुल सही, ये देखिए ये इसका अप्रोच सुनिए,
इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय के प्रति जो लॉयलिटी है जॉब के रिगार्डिंग, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो भाई वो आपका ऑन द जॉब तो जो है ही और ऑफ द जॉब भी आपका एम्प्लॉय है, उसको वेलबींग उसकी उसका एस्पेक्ट समझने की बात करी गई है ना, ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट का नेक्स्ट ये है। तो यहां बोला ठीक है लॉयलिटी होना चाहिए कंपनी के साथ और कंपनी का भी लॉयलिटी होना चाहिए जॉब देने के बाद में लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आपके साथ उसके साथ नहीं बन रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही है कम प्रोडक्टिव हो रही है तो उसको क्या करना निकाल देना, उसका एस्पेक्ट भी समझना है, ट्रेनिंग देना है और इसी में काम कर रहा है। दिस मीन्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, ये देख लो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करी है कि भाई साहब एक एम्प्लॉय को आप रख रहे हो ना उसको बार बार मत निकालो, ऐसे छह महीना काम कराए दूसरा ले आए, छह महीना काम कराए दूसरा, मत निकालिए। तो ये स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की बात का है। एंड हाई एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फेक्शन बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दी कोलैबोरेशन लेटरल जॉब मूवमेंट एंड मल्टी लेवल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये हाई एम्प्लॉय मोरल की बात और सेटिस्फेक्शन की बात का है कि क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज उसके लिए, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, और लेटर जॉब मूवमेंट्स भी आप करो, मल्टी लेवल पार्टिसिपेशन करवा दो मतलब एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में भी आप एनरोल कर लो, तो उससे क्या होगा आपका काम बन जाएगा, मैनेजमेंट की ये थ्योरी। तो ओवरऑल थ्योरी जेड की अगर हम बात करें तो किसकी बात की, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की, वर्कर्स के लिए सोचने की बात कहा, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए सोचने की बात करी है इसने, है ना। चलिए जी, तो ये था थ्योरी जेड और हो गया आपका ये थ्योरी खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की शुरुआत और मैनेजमेंट का धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।